हर घर एक नर्स का अभियान चलाया जा रहा है। हर घर नल की हर घर नर्स, क्या पूछा? हर घर नर्स, हर घर नर्स। अच्छा, हर घर नर्स। मैंने मन में नहीं पूछा, हर घर एक नर्स। नर्स, जहाँ तक माननीय सदस्य का सवाल है घर घर वाला, तो अभी समय नहीं आया है, लेकिन अस्पतालों में नर्सें रहे इसके लिए हम सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे। यूपी विधानसभा में सदन की कार्यवाही लगातार जारी है, जहां सदन में जुबानी जंग देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी खेला भी हो जाता है और कभी दवा तो कभी दारू हो जाती है। दरअसल सोमवार को बजट सत्र के दौरान सपा विधायक शहजिल इस्लाम स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर सवाल पूछ रहे थे। शहजिल ने नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को रोजगार देने के लिए पूछ लिया कि क्या सरकार हर घर नर्स योजना ला रही है। जब सपा विधायक ने ये प्रश्न पूछा तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने क्लैरिफिकेशन करते हुए फिर पूछा कि हर घर जल पूछ रहे हो गुरु या फिर हर घर नर्स, माने कि आखिर कहना क्या चाहते हो? बस फिर क्या था, जो जवाब आया उस पर तो ठहाके ही ठहाके लग गए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक छात्र नर्सिंग क्षेत्र में आकर्षित हों और रोजगार की संभावनाएं तलाश पाएं, इसके लिए हर घर एक नर्स का अभियान चलाया जा रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ, प्रचार प्रसार की कोई व्यवस्था सरकार ने करी है तो बता दें। दूसरा प्रश्न मेरा यह है, पैरा मेडिकल प्रशिक्षण क्षेत्र में सुधार हेतु सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी लिए कोई व्यवस्था रखी गई है? बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल में अगर कोई व्यवस्था है तो माननीय मंत्री जी बताने का। हर घर नल की हर घर नर्स। वहीं सपा विधायक के सवाल का स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने जवाब देते हुए कह दिया कि फिलहाल हर घर नर्स की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार हर अस्पताल में नर्स हूँ इसके लिए काम कर रही है। आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ सभी जनपदों में जहां जहां मेडिकल कॉलेज राजकीय खुलेंगे, हम हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू कर दी। अभी हमने नर्सिंग पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए मिशन निरामया का प्रारंभ किया, और मिशन निरामया हमको इसलिए बनाना पड़ा, कुछ पद हमने विज्ञापित किए थे आयोग के माध्यम से नर्सेज के, 4000 पदों के लिए 1,00,000 आवेदन आए सर, और उसमें मात्र लगभग 3000 हम नियुक्तियां कर पाए, 1000 पद खाली रह गए। पता चला कि नर्सिंग कॉलेज ऐसे चल रहे थे जिनके पास ना अस्पताल था ना ही उनके पास फैकल्टी थी पढ़ाने के लिए, तो इसकी वजह से हम लोगों ने मिशन निरामया प्रारंभ किया। इसके लिए हमने 6 प्रमुख बिंदु रखे हैं। नर्सिंग में पैरामेडिकल संस्थानों की गुणवत्ता रेटिंग करा रहे हैं, संस्थानों के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाएं कराए। इसके लिए हम लोगों ने कैमरे की निगरानी में, पहले स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली थी, यानी जो परीक्षार्थी जहां पढ़ रहा है वहीं इम्तहान भी दे रहा है, इसको हमने समाप्त किया। पहले नर्सिंग कॉलेज से जो रिजल्ट आता था वो 85% लोग पास हो जाते थे, जैसे ही हमने स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली समाप्त की और कैमरे की निगरानी निकाली, वही रिजल्ट का प्रतिशत 25 रह गया है। तो हमें गुणवत्ता परक नर्सेज भी मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया है, और नर्सिंग प्रणाली मेडिकल क्षेत्र में रोजगार के लिए हम इंटर कॉलेजों में भी जाकर के बच्चों से काउंसलिंग कर रहे हैं कि नर्सिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में आप आइए, और लगातार हमारा इस संबंध में प्रयास जारी है। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है घर घर वाला, तो अभी समय नहीं आया है, लेकिन अस्पतालों में नर्सें रहे इसके लिए हम सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।